इस छोटे से कमरे में घुसते ही ऐसा लगता है कि मानो हर तरफ महेंद्र सिंह धोनी ही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के प्रति इतना दीवानापन आपने नहीं देखा होगा। माही के वैसे तो फैंस करोड़ों लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे उनके फैन हैं जो उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। उन्हीं में से सुबोध कुशवाहा भी महेंद्र सिंह धोनी का एक जबरा फैन है। भगवान की तस्वीर के साथ साथ उनके छोटे से कमरे में महेंद्र सिंह धोनी की ही तस्वीर दीवार के हर तरफ लगा हुआ है। यहाँ तक कि बेड में भी महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी तमाम चीजें क्रिकेट की और उनके प्रति पागलपन को बयां करती है। सुबोध बिहार हाजीपुर का रहने वाला है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के प्रति उनका लगाव उन्हें रांची तक खींच लाया। 8 साल पहले सुबोध रांची आया और हरमू स्थित महेंद्र सिंह धोनी के घर के आसपास ही किराए के कमरे में रहने लगा। हरमू मैदान को क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए चुना और अपने भगवान का एक झलक पाने के फिराक में रहने लगा। सुबोध की माने तो महेंद्र सिंह धोनी को देखकर ही वह क्रिकेट खेलना भी शुरू किया। सुबोध एक बेहतरीन क्रिकेटर है, स्टेट लेवल के कई टूर्नामेंट उन्होंने खेला है। भारतीय टीम के सदस्य ईशान किशन के साथ भी उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। उनका सपना था कि वो भी भारतीय टीम में क्रिकेट खेले। हालांकि समय पार होता गया और सुबोध अब अपना क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर चलाता है, वो भी माही के नाम से ही। सुबोध कहते हैं कि लंबे समय से वो महेंद्र सिंह धोनी से मिलने की कोशिश कर रहा था। अपने भगवान का साक्षात दर्शन के लिए कई बार कोशिश भी किया, लेकिन वर्ष 2021 में उनसे मिलने की तमन्ना सुबोध का पूरा हुआ और यह सिलसिला जारी रहा। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी से मिलने का कई बार सुबोध को मौका मिला। महेंद्र सिंह धोनी भी सुबोध को जानने और पहचानने लगे। इस बीच कोरोना काल के दौरान भक्त और भगवान के बीच प्यार और गहरा हो गया, जब दुबई में आयोजित IPL मैच के समय सुबोध को दुबई से महेंद्र सिंह धोनी ने ऑटोग्राफ किया हुआ एक जर्सी किसी के हाथों रांची भिजवाया। उसके बाद तो सुबोध को महेंद्र सिंह धोनी के प्रति प्रेम और बढ़ गया। धोनी से जुड़े कई यादें सुबोध के पास है। प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिवस के अवसर पर सुबोध धूमधाम से जन्मदिन भी मनाता है। सर, जब से मैं क्रिकेट देखना चालू किया हूँ, जब से देख रहा हूँ, तो ये माही भैया जो हैं बहुत इंस्पायर किए मुझे, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इनको देखकर ही मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ और इनकी तरह मेहनत करूँगा तो आगे बढ़ूँगा। इसीलिए मैं हाजीपुर से फिर रांची आया, रांची आकर क्रिकेट का प्रैक्टिस करा, क्रिकेट खेलता हूँ। हाँ, मैं बहुत दिन इंतज़ार किया, जब से मैं आया तब से कोशिश कर रहा था कि काश मैं मिल पाऊँ एक बार। तो मैं लास्ट 2021 में मुझे मिलने का मौका मिला, तो मैंने उनके साथ एक ऑटोग्राफ भी लिया, फ़ोटो भी खिंचवाया। ये ऑटोग्राफ है जब मैं उनसे मिला था। फिर उन्होंने मुझे एक बैट पे भी ऑटोग्राफ दिया। और लास्ट ईयर जब कोविड चल रहा था, तो कोविड में जब IPL मैच चल रहा था, तो मुझे दुबई में जब जो टूर्नामेंट हो रहा था IPL, तो दुबई से मुझे ये जर्सी मिला था, उन्होंने भेजा था दुबई से ये जर्सी। दुबई से भेजा? हाँ, उनकी जर्सी है ये। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो मेरा नाम के साथ ऑटोग्राफ दिए। जो तो यहाँ रांची में आपने ऑटोग्राफ दिया था कि फिर वो दुबई से भेजे? ये दुबई में ऑटोग्राफ हुआ था, दुबई में किसी के थ्रू मेरे पास आया था। किसी के थ्रू आपको भेजे थे? हाँ, करता मैं हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ बहुत धूमधाम से, और उनका प्यार है मेरे लिए हमेशा। अच्छा, एक इत्तेफाक बोले ये याद, माही के घर पहले हरमू में था, आप काफी लंबे समय से हरमू में रहे, तो क्या कारण था उनका घर के लिए या फिर सिमलिया कोचिंग खोलने चले? सर, बात ऐसा है ना कि उनके घर के पास ही रहना था, तो इसी वजह से मैं रांची में बहुत सारा एकेडमी बहुत जगह है, बट मैं हरमू चुना था कि मैं उनके घर के पास रहूं। अभी फिलहाल मेरा वही प्लान है कि सिमलिया चले गए हैं, तो सिमलिया में मैं अपना एकेडमी डाला हूं, जिसका नाम है कुशमाई क्रिकेट एकेडमी, उनसे ही जुड़ा हुआ नाम है। अपने नाम, मेरे को नाम लोग सुबोध नाम से बहुत कम जानते हैं, कुशमाई के नाम से लगभग लोग जानते हैं। तो यही कोशिश है उनके आसपास रहूं, तो वहां एकेडमी खोलाऊं, हो सकता है रहना भी शुरू कर दूं उनके पास। अच्छा, एकेडमी खोलने के पीछे उनका मन में आपका क्यों ख्याल आया? सर, एकेडमी खोलना ये है ना कि जो मुझे नहीं मिला और जो मैं इनसे सीखा हूँ, इनको देखकर सीखा हूँ, वो मैं बच्चों को दूँ। और माही भैया के घर के आसपास, जैसे आप जानते हैं कि सचिन सर के बाद भगवान का एक रूप होते हैं, जो हम लोगों के लिए सचिन सर को उतना नहीं देखे जितना मैंने इनको देखा, तो एक भगवान का आशीर्वाद रहेगा मेरे बच्चों पर, क्योंकि पास में घर है, ग्राउंड से इनका घर दिखता है। और हैप्पी बर्थडे माही भैया, माही सर, भगवान जी, सब कुछ, क्योंकि आप देख सकते हैं घर में, मतलब मंदिर है, वहाँ माही भैया भी, मंदिर के बगल में माही भैया भी विराजमान है, तो पूजा और सब कुछ उतना ही है। सुबोध के जूनियर क्रिकेटर भी महेंद्र सिंह धोनी के प्रति इस पागलपन के संबंध में कहता है कि सुबोध का यह दीवानापन आज का नहीं है, एक लंबे समय से सुबोध माही के पीछे दीवाना है। सुबोध भैया को मैं 8 साल से जान रहा हूँ
और जब से मैं उनके अंडर में खेलना चालू किया तब से उनके अंदर ये पागलपन देख रहा हूँ कि हाँ एम एस धोनी। पर दिन ब दिन जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे इनके अंदर वो चीज़ बढ़ता गया और आज वो पागलपन, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है उनके अंदर ये चीज़। और जैसे वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सचिन तेंदुलकर के बाद अगर क्रिकेट की दुनिया में कोई दूसरा भगवान है तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उनका जबरा फैन सुबोध कह रहा है। और आपने देखा भी, इस पूरे कमरे में अगर कहीं भी देखे तो जहां भी नज़र दौड़ाए सिर्फ माही है। वाकई में शायद महेंद्र सिंह धोनी का इतना बड़ा फैन झारखंड में तो नहीं होगा। महेंद्र सिंह धोनी को ईटीवी भारत की ओर से भी जन्मदिन की बहुत बधाई। चंदन भट्टाचार्य, ईटीवी भारत, रांची।